नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कैरी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त संजय शर्मा और आज हम पहुंचे हैं जिला झज्जर के ऐतिहासिक गांव बादली में, जहां इस समय कल होने वाले हरियाणा स्टाइल कबड्डी महामुकाबले को लेकर के तैयारियों को लेकर के यहां बादली के युवा पूर्व कबड्डी खिलाड़ी बादली स्पोर्ट्स सोसाइटी के प्रधान सभी यहां मौजूद हैं। और आप इस समय देख सकते हैं यहां ग्राउंड जो तैयार किया गया है कल होने वाले इस हरियाणा स्टाइल कबड्डी महामुकाबले के लिए, ग्राउंड को अंतिम जो तैयारी है वो कर दी गई है। और कल यहाँ बादली गाँव में यह बहुप्रतीक्षित हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का महामुकाबला होने जा रहा है। हम आपको जानकारी दे दें कि बादली गांव में यह हरियाणा स्टाइल कबड्डी का चौथा बड़ा टूर्नामेंट है और कल के इस टूर्नामेंट में प्रथम इनाम 1,00,000 रुपये की इनामी राशि रखी गई है और द्वितीय इनाम 71,000 रुपये की राशि है। और जैसा कि हमें जानकारी दी है, यहाँ बादली स्पोर्ट्स सोसाइटी के सदस्यों ने सेमीफाइनल में पहुँचने वाली टीमों को 11,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो इंतजार रहेगा कल होने वाले इस प्रतीक्षित बहुप्रतीक्षित कबड्डी मुकाबलों का। हमारे साथ कुछ युवा हैं बादली गांव के जो कबड्डी प्लेयर भी रहे हैं, अन्य खेल संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, जानना चाहेंगे उनके विचार कल होने वाले इस कबड्डी महामुकाबले को लेकर के, वो क्या सोचते हैं, कैसी तैयारियां हैं। कुलदीप जी, कल होने वाले इस मुकाबले को लेकर के क्या कहना है आपका? मुकाबला यहाँ पर बहुत वाले सामाजिक भाईचारे के साथ करवाया जा रहा है जी। आप सभी भाइयों से विनती है, 24 साधाओ गाँव बादली में आकर इस खेल आयोजन का माले पूरा मान सम्मान बढ़ाएं और आप आकर खुद भी यहाँ खेल के खेलों का लुत्फ उठाएं जी। और निश्चित तौर से खेलों से परस्पर भाईचारा बढ़ता है, खेल भावना मजबूत होती है, खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी हुनर व प्रतिभा को दिखाने का। हमारे साथ बादली स्पोर्ट्स सोसाइटी के नवनियुक्त प्रधान है विजयपाल उर्फ काला, आइए जानते हैं उनसे। प्रधान जी, क्या कहना है कल के लिए, क्या संदेश है आपका? कल के लिए बहुत बढ़िया भाई संजय, बहुत बढ़िया मैच होंगे जी। यहाँ ये चौथा टूर्नामेंट होगा बादली सोसाइटी की तरफ से। वेरी गुड। और यहाँ हर साल आगे भी ऐसा ही होता रहेगा और भाइयों से आवेदन है कि आएं और खेल का मजा लें। वेरी गुड। और बादली फुटबॉल जो बादली स्पोर्ट्स सोसाइटी यहाँ कार्य कर रही है, उसकी तत्वाधान में समस्त बादली निवासियों के सहयोग से आप देख सकते हैं और समस्त बादली गांव के निवासियों के सहयोग से यहाँ कल बहुत बड़ा कबड्डी का मुकाबला होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश, विशेष तौर से जिला झज्जर की भूमि ने खेल खिलाड़ियों को और कबड्डी कुश्ती खिलाड़ियों को जन्म दिया है। एक से एक ऐतिहासिक पहलवान यहाँ पैदा हुए हैं। हाल ही में एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीते बजरंग पुनिया जिला झज्जर के खुडन गांव के हैं, जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ अन्य युवा भी हैं बादली गांव के और कल इस मुकाबले को लेकर के यहां युवाओं में जोश है। आप देख सकते हैं इस समय यहां बादली गांव के जागरूक युवा जो यहां खड़े हुए हैं, इस टूर्नामेंट को लेकर के सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इंतजार रहेगा कल होने वाले इस प्रतीक्षित हरियाणा स्टाइल कबड्डी महामुकाबले का। और हम आपको बता दें कि यहाँ जो मुकाबला होता है वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से होता है। प्रशिक्षित कोच यहाँ पर आते हैं कबड्डी के, दूर दराज से हरियाणा भर की टीमें यहाँ भाग लेती हैं। और पिछली बार जो टूर्नामेंट, जैसे हमें कुलदीप भाई ने, हमारे साथी धर्मेंद्र भाई हैं और अन्य युवाओं ने हमें बताया है, यूट्यूब पे भी हमने सर्च किया है, पिछले जो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ जो कुराना की टीम थी, कुराना की टीम ने पहला इनाम जीता था और फाइनल में उसका मुकाबला बलभेड़ा से उसका मुकाबला हुआ था और 1,00,000 शानदार मैच रहा, बहुत शानदार मैच रहा था। और इस बार कैसे मैच होंगे? इस बार भी बहुत अच्छे मैच होंगे जी, पिछली बार की तरह लाइट की व्यवस्था पूरी मतलब अच्छे तरीके से की गई है जी और देर रात तक तो बढ़िया मैच चलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि भी जैसा हमें जोश है, ऐसा ही जो भी आने वाले हैं खिलाड़ी और जो दर्शक हैं पूरे जोश के साथ आएँ और इस मतलब आयोजन को शोभा बढ़ाएं, इसको सफल बनाएं जी। और अपील की जा रही है बादली के इन समस्त युवाओं के द्वारा, खेल प्रेमियों के द्वारा, कि यहां बादली में आएं और इस हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का लुत्फ उठाएं, आयोजन की शोभा बढ़ाएं और यहां पहुंचकर कबड्डी मैचों का आनंद लें। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।